हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 20 सितंबर को आदिवासी अंचल के अधीन आने वाले डंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर अब तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में सागवाड़ा में हो रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर सचिन पायलट का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। बहस के लिए चुनौती देते कि अगर मेरे स्तर का कोई नेता आए तो बहस करने, अभी तक कोई उनके लेवल में आया नहीं। उनके लेवल का कोई नेता होगा नहीं, उनको लगता होगा ऐसा। उनको पता पड़ेगा जब उदयपुर में चुनाव होगा, और वो अगर वहीं से चुनाव लड़ेंगे तो इस बार उदयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी। जनता बात को समझ चुकी है और दिखा भी चुकी है। गृहमंत्री जी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन आज राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं, कल मैं जयपुर में था, जयपुर में जिस तरह रात में एक बहुत पॉश इलाके में हत्या की गई, लूटपाट की गई, चैन स्नैचिंग हो, बलात्कार हो, उत्पीड़न हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, इस प्रकार का एक असुरक्षा का माहौल बना है। उसके लिए मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ गृहमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि गृहमंत्री जी को सुनता नहीं है। गृहमंत्री जी की प्रशासन पुलिस ने कोई पकड़ नहीं है, उनकी कलम से कोई आदेश जारी हो नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री और गृहमंत्री मिलकर राजस्थान को एक अराजकता के माहौल में फेंक रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग के प्रकरण हो, चाहे लोगों के उत्पीड़न के अतिक्रमण के मामले हो। लेकिन गृहमंत्री जी को समझना चाहिए कि आंकड़े कुछ बोलते हैं, हकीकत कुछ और बयान करती है, और अंततः जनता जनार्दन है, वो सारा निर्णय कर मतदान के माध्यम से न्याय कर देगी। सागवाड़ा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।